तो जय हिंद दोस्तों, आप लोग तैयार हो जाएं आईआरबी वाले मेडिकल के लिए। ठीक है, आईआरबी वाले मेडिकल के लिए तैयार हो जाएं दोस्तों। मैं पूरी जानकारी आपको बताता हूं कैसे क्या होने वाला है, पूरा प्रोसेस मेडिकल के बारे में, क्या चेक होता है क्या चेक नहीं होता है। ठीक है, मैं पूरी जानकारी आपको बताऊंगा और वीडियो को एंड तक देखें दोस्तों। और किन्हीं को कोई सवाल है तो सवाल करें, कमेंट्स करें, मैं कमेंट सेक्शन में आपको जवाब दे दूंगा। किन्हीं का कोई भी प्रॉब्लम है मेडिकल से रिलेटेड तो लोग कमेंट्स करें, मैं कमेंट सेक्शन में जवाब दे दूंगा दोस्तों। ठीक है, और वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूले दोस्तों। ठीक है, टोटल 4000 से ज़्यादा कैंडिडेट पास हुए हैं, मेल फीमेल दोनों मिला के 4000 से ज़्यादा कैंडिडेट पास हुए हैं। 17 तारीख से आपका स्टार्ट है मेडिकल, तो आप लोग मौका गवाएं नहीं। अगर मेडिकल में आप लोग फेल हो गए तो फिर री मेडिकल में फेल हो गए, री मेडिकल दिया जाएगा। री मेडिकल में फेल होगा तो जॉब नहीं होगा, क्योंकि बहुत अच्छा मौका मिला है आप लोगों को। बहुत सारे भाई लोग रेडियो पोर्टल में भी निकाल लिए हैं, तो कौन सा ज्वाइन करना चाहते हैं लड़कियाँ लोग भी, खास करके रांची की लड़कियाँ लोग। रांची से बहुत सारे कॉल आ रहे थे, लड़कियाँ लोग कर रही थी फ़ोन रांची से, तो रांची वाले के लिए मैं खास करना चाहता हूँ कि एक अच्छा मौका मिला है। रांची से ज़्यादा कैंडिडेट एसटी एससी वाले ज़्यादा कैंडिडेट मिल रहे थे। और जैसा कि मैंने आईआरबी का फिजिकल का दुमका गया था तो वहाँ भी मैंने देखा था, वीडियो बनाया हुआ था। तो चलिए मैं आपको बताता हूँ पूरी जानकारी। ठीक है, देख सकते जो का यही सब रहेगा। दौड़ तो आपने कम्प्लीट कर लिया है, फिजिकल जैसे ये मेल फीमेल दोनों ने कम्प्लीट कर लिया है दोस्तों। ठीक है, तो पहला जो देख सकते हैं यहाँ पे कलर ब्लाइंडनेस का चिन्ह आ रहा है। व्हाट डू यू सी, क्या जानते हैं ये वाला आपका है कलर ब्लाइंडनेस, जो कि रेड और येलो और ग्रीन में रहेगा। ठीक है, और कलर ब्लाइंडनेस मतलब सबसे पहले आपका ये आँख चेक किया जाएगा। अगर आप आँख जो पास हो जाते हैं तब तो आपको आगे बढ़ाया जाएगा। ठीक है, ऐसे कुछ भी चेक किया जा सकता है पहले, तो मैं बताना चाहता हूँ जो सबसे ज़्यादा हार्ड रहता है वो सबसे हार्ड यही रहता है। ठीक है, कलर ब्लाइंडनेस, कलर विजन जिसको हम लोग बोलते हैं, 6x9 होता है किसी का, किसी का 6x6 होता है। तो इसमें कुछ अंक लिखा हुआ रहेगा, जैसे मान लीजिए कि आपका अंक लिखा हुआ रहेगा, ये देख सकते हैं मैं दिखाता हूँ यहाँ पर, देखिए ये है आपका, जैसे यहाँ पर गोला में कुछ अक्षर लिखा हुआ है। आप लोग बता सकते हैं क्या लिखा हुआ है, मैं देखना चाहूँगा कमेंट सेक्शन में आप लोग क्या जवाब देते हैं। मैं नहीं बताऊँगा इसका आंसर, ठीक है, आंसर मैं जवाब दूंगा कमेंट में। ठीक है, वीडियो का लास्ट में मैं जवाब दूंगा कितना इसका आंसर है। आप लोग को देखता हूँ मैं नीचे वाले गोला में क्या लिखा हुआ है, आप लोग बताएं। तो यहाँ पर जो भी लिखा हुआ रहता है, जैसे ए लिखा रहेगा, बी लिखा रहेगा, सी डी लिखा रहेगा, अंक लिखा हुआ इसमें रहता है, कैटलॉग की तरह रहता है। इसमें लिखा हुआ रहेगा 1 2 3 4 5, वो नंबर आपको बताना है। ठीक है, और ए बी सी डी एफ जी जैसे आपके सामने यही आपका छोटा छोटा करके लिखा हुआ रहेगा, बड़ा छोटा छोटा जिस तरह से लिखा हुआ है आप लोग देख लें। इसको आपको बताना होगा दूर, मतलब लगभग 15 फीट दूर खड़ा कर दिया जाएगा आपको, और वहाँ से आपको बताना है। जो लोग भाई लोग को पता है उनके लिए अच्छी बात लगे, जो लोग नहीं जानते जान लें। ठीक है, और आगे बात करूँ तो ये आपका हो गया सबसे हार्ड यही रहता है दोस्तों, ये वाला। ठीक है, कलर ब्लाइंडनेस और कलर विजन जिसको हम लोग बोलते हैं, तो निकट दृष्टि और दूर दृष्टि दोष जिसको हम लोग बोलते हैं। और आगे देख सकते हैं यही आपका आँख चेक है, टॉर्च बार के आँख चेक किया जाएगा आपका। अगर आप ऐसे इधर उधर नहीं घुमाते हैं आँख, तो फिर आपको बाहर कर दिया जाएगा। उसके बाद आपका नॉक प्रॉब्लम, यानी कि जो घुटना सटता है, नॉक प्रॉब्लम जो कि घुटना सटता है बहुत सारे भाई लोगों का, तो उसमें दिक्कत हो सकता है। तो घुटना नहीं सटना चाहिए दोस्तों। ठीक है, अगर घुटना सटा तो आपको बाहर कर दिया जाएगा, री मेडिकल दे दिया जाएगा। तो घुटना नहीं सटना चाहिए, अगर घुटना सटा तो आपको बाहर कर दिया जाएगा। ठीक है, घुटना नहीं सटना चाहिए। और हाथ दूध की बात करो तो वो तो स्केल लगा के चेक कर दिया जाएगा आपका कि हाथ ठीक है कि नहीं है, और आँख बस यही सब रहता है। और दांत ये सब सड़ा हुआ नहीं रहता, 3 दांत से ज़्यादा अगर आपका सड़ा हुआ है तो आपको बाहर कर दिया जाएगा। लेकिन स्टेट पुलिस में उतना नहीं ध्यान दिया जाता, लेकिन आप लोग घबराए नहीं, और इसमें और ज़्यादा कुछ है नहीं, और बस यही था। और आपका कहीं पर कटा फटा गोदना उदना है, जैसे गोदना टैटू ये सब है, तो वो सब आप लोग हटवा लें तो ठीक रहेगा। टैटू ऑपरेशन करवा लें, क्योंकि टैटू नहीं चलेंगे, हाथ से नीचे वाले चलेंगे। ठीक है, केहूनी से नीचे वाले जो हम लोग बोलते हैं, अरिष्ट के पास चलेगा टैटू। उसके ऊपर अगर है कहीं भी शरीर में तो बाहर कर दिया जाएगा आपको। और कहीं एक बात बताना चाहता हूँ, कहीं भी आपका ऑपरेशन हुआ है कोई भी चीज़ का, कहीं भी मेल फीमेल दोनों के लिए कोई किसी भी चीज़ का अगर ऑपरेशन हुआ है, तो आप लोग उस मेडिकल को रिपोर्ट को लेके जाइएगा मेडिकल में। ठीक है, जो भी है कागज उसको लेके जाइएगा, क्योंकि यदि डॉक्टर ने आपसे मांगा, अगर आपने फेस नहीं किया था, आपको री मेडिकल दे दिया जाएगा। ठीक है, री मेडिकल में ट्रांसफ़र कर दिया जाएगा, तो फिर आप लोग री मेडिकल के लिए तैयार रहिएगा। तो आप लोग मौका गवाए नहीं, और रिपोर्ट आप लोग लेके जाइएगा जिनका भी कोई प्रॉब्लम है। किसी लड़की ने शायद कमेंट्स किया था, उन लड़की का नाम हमको नहीं पता है, लेकिन मैंने कमेंट सेक्शन में देखा था, तो उन्होंने पूछा कोई ऑपरेशन पूछ रहे थे हुआ है किस चीज़ का, ये हमको नहीं पता, कोई ज़्यादा हार्ड नहीं, तो वहाँ पर मैंने देखा था जैसे कि। तो आप लोग घबराए नहीं दोस्तों, ठीक है ना, यही आपका दिया हुआ था। और मैं 21 तारीख को गिरिडीह आ रहा हूँ, ठीक है, 21 तारीख को मेडिकल गिरिडीह में मैं आ रहा हूँ, 21 तारीख को सदर अस्पताल गिरिडीह में जाऊँगा। ठीक है, वहाँ पर आप लोग देख लीजिएगा, अगर कोई वहाँ पर पहचान पाते हैं मुझे तो ठीक है, नहीं तो फिर कोई दिक्कत नहीं है। चलिए,
तो बस यही मेडिकल का था। मेडिकल में हम लोग, और फ्लैट फूड जो बोलते हैं हम लोग फ्लैट फूड, तो फ्लैट फूड में तो आपको पता ही है नीचे पैर वो कर दिया जाएगा और उसमें से सीक पार नहीं होना चाहिए, ठीक है ना। फ्लैट फूड के बारे में बता रहा हूँ, सीक पार होगा तो दिक्कत हो जाएगा, कोई भी अगर स्केल उसके पार हो जाता है तो दिक्कत हो जाएगा। और कहीं कटा फटा है तो लोग रिपोर्ट लेके जाएँ, और कुछ ज़्यादा नहीं रहता है। और आप लोग बाल उल कटवा के जाएँ, पूरी तरह से क्लीनिंग करके जाएँ, बाल उल शेविंग करके जाएँ बढ़िया से, शेविंग करके खास करके, और मेल फीमेल दोनों के लिए सब क्लीनिंग कर ले बाल सब, ठीक है। और कुछ इसमें ज़्यादा अपडेट था नहीं। और डॉक्यूमेंट सब आप लोग लेके जाएँ एडमिट कार्ड से, जो कि मैंने पहले वीडियो में बता दिया, जैसे कि मैंने पहले वीडियो में आपको बता दिया है तो आप लोग वहाँ पर देख लीजिएगा। मैंने पहले वीडियो भी डाला था कि आयुर्वेद के मेडिकल के बारे में, तो वीडियो को देखें, और वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर करना ना भूले दोस्तों। और ऐसे ऐसे जुड़ी आरपीओ का कौन सा बुक आपको खरीदना चाहिए दोस्तों, तो मैंने डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दिया, आप वहाँ से खरीद सकते हैं, ठीक है। तो बस एक छोटा सा अपडेट था, और आप लोग अच्छे से जाएँ, और किन्हीं को कोई सवाल होगा तो कमेंट जरूर करिएगा दोस्तों, ठीक है। तो बस, और मेरे चैनल पर आए राकेश यादव सर का स्टार्ट होने वाला है क्लास आपका जीके जीएस का, ठीक है, रेलवे आरपीएफ एसएससी जीडी के लिए, आरपीएफ के लिए खा सकते हैं, एसएससी जीडी के लिए, और बिहार पुलिस के लिए, और भी कुछ चाहें एसएसबी के लिए, सीआरएसएफ ड्राइवर के लिए, तो वो जल्दी देखेंगे, जरूर देखिएगा वीडियो। मैं आज कोशिश करता हूँ आज डालने का, मैं कल से ही डाल रहा था लेकिन नहीं हो पा रहा था, तो आज मैं डालूंगा। तो बस एक छोटा सा वीडियो था दोस्तों, थैंक यू फॉर वॉचिंग दोस्तों, थैंक यू फॉर वॉचिंग। जय हिंद, जय भारत।